वापस आई वो दोनों चीजें लेके जो आंटी ने मंगाई थी। फिर आंटी ने क्या किया देखो, यू कैन सी इन द पिक्चर, थ्रेड का एक कॉर्नर जो है वो बैट से बांध दिया और दूसरा कॉर्नर जो है वो उसकी टीथ से बांध दिया। नाउ सी व्हाट हैपेंड, शी टुक द पीस ऑफ हॉट कोल एंड सडनली पुश्ड इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस। और उन्होंने क्या किया कि वो हॉट कोल का पीस लेके वो उसके मुंह में डालने लगी। टॉम क्विकली पुल्ड बैक हिज हेड एंड नाउ द टूथ वॉज आउट। और टॉम ने क्या किया कि वो अपना जल्दी से सर पीछे किया तो क्या हुआ कि उसका टीथ जो है वो बाहर आ गया, टूथ हैंगिंग ऑन द थ्रेड बाय द बेड पोस्ट। और फिर क्या हो गया, उसका टूथ जो है वो उस थ्रेड के साथ बाहर आ गया। सो डिड यू सी कि आप किस तरह से टॉम ने झूठ बोलकर बहाना करने की कोशिश की और आंटी पोली ने उसके साथ क्या किया, तो उसका देखिए टूथ भी बाहर आ गया। सो वी शुड नॉट स्पीक लाई, वी शुड नॉट टेल अ लाई एनी टाइम। हमें कभी भी नहीं झूठ बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी काइंड एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू एवरी वन। हमें ईमानदारी से काम लेना चाहिए। हमें ये नहीं कि हमें अगर स्कूल से छुट्टी करने का दिल चाह रहा है तो हम बहाने करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। वी शुड नॉट टेल अ लाई एनी टाइम एंड वी बिकॉज व्हेन वी स्पीक व्हेन वी टेल अ लाई तो क्या होता है कि हम एक झूठ बोलने के बाद फंस जाते हैं एंड वंस इन अ टाइम। और फिर एक ऐसा होता है कि झूठ बोलने के बाद हम मुश्किल में आ जाते हैं और फिर हम हमारी वो मुश्किल हमारा जो झूठ है वो पकड़ा जाता है। सो दैट वॉज दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ रीड इट बाय योर सेल्फ, एंजॉय दिस स्टोरी, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट दैन इन योर नोटबुक। सो आई एम एंडिंग हियर नाउ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।